मौला मेरे मोमिन सलाम भी मेरे आका इरशाद फरमाते कि हर इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। इस्लाम में दो लफ्ज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक लफ्ज़ तकलीद और एक लफ्ज़ इत्तेबा। कुरान के तमाम सूरे, तमाम आयात, तमाम हर्फ, ज़ेर व ज़बर सब मौजज़ा हैं। ये एक सूरा मुकम्मल मौजज़ा देख लें आप। इसमें हमारे मुफस्सरीन ने इत्तेफाक किया है, कौसर से मुराद जनाब फातिमा जहरा है। आप अलीटीवी के थ्रू ये मनाजिर देख रहे हैं जो कौल रब्बानी और आईम अथार के तवसुस से आप हजरात तक पहुंच रहे हैं। नाम अली है तो फिर टीवी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नाम ही इतना बुलंद है कि ज़मीन पे हो तो भी बड़ा है और आसमान पे हो तो भी बड़ा रहता है। कुरान सरचश्मे हिदायत है तमाम आलम बशरियत के लिए, आलम इंसानियत के लिए। जो भी इससे हिदायत हासिल करना चाहे वो हिदायत हासिल कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मईन। बारगाह इलाही में सरापा शुक्रगुजार हूँ। ऐ हमारे परवरदिगार, लोगों के दिलों की यानी लोगों की मोहब्बतें हुसैन की तरफ मायल कर दे, दिल हुसैन की तरफ चला जाए। आइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपने मसाइल में मराजे की तरफ, उलमा की तरफ रुजू करें, और खुदा बंदे आलम का लाख लाख एहसान है, करम है कि उस वक्त से लेके आज तक हर दौर में हमारे मराजे ने हमारी रहनुमाई फरमाई है।